हाई एवरी वन वेलकम बैक टू इन आज का वीडियो साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम नेस्ट स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली नेस्ट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फाइव ईयर इंटीग्रेटेड एम एस सी प्रोग्राम पाँच साल का जो इंटीग्रेटेड एम एस सी कोर्स होता है जिसमें तीन साल का बी एस सी और दो साल का एम एस सी होता है तो इस कोर्स को करने के लिए आप नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं लेकिन इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है तो उसी स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप नेक्स्ट क्वालीफाई करते हैं तो आपको पाँच साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ता है और इसके साथ ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है बिना कोर्स में एनरोल हुए और बिना इस कोर्स को किए आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा सो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए तो वीडियो को बिना स्किप किए देखेगा क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाएगा अगर आप स्किप करते हैं सो so, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस चैनल पर करियर रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं कोर्सेज एग्जाम्स कॉलेजेस गवर्नमेंट जॉब्स स्कॉलरशिप तो इसमें से किसी भी चीज़ को अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं खुद से देन डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन क्या करना है क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास या अगर गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी पी उसको ज्वाइन करना चाहते तो उसके लिए क्या क्या वैकेंसीज होती कब आती है इन सभी पे इस चैनल पर वीडियोज़ आती है तो हर एक आ, करियर गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ हूँ और इसके लिए आप कॉमेंट करते रहिए ताकि मैं आपको जो भी आपके क्वेश्चन है जो भी आपके क्वेरीज़ है उसे रिजोल्व कर पाऊँ ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए है अगर आप नेक्स्ट क्वालिफाई करते हैं देन आप नाइजर भुवनेश्वर में जो है उसमें आप फाइवर का इंटीग्रेटेड एम कोर्स करते हैं एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आपका एडमिशन होता है सो so, इसे क्वालिफाई करने के लिए एक प्रॉपर प्रिप्रेशन करनी पड़ती है आपको और उसके बाद ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा ट्वेल्थ स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो अगर आप अभी आप क्लास ट्वेल्थ में हो साइंस बैकग्राउंड से साइंस बैकग्राउंड का मतलब ये कि अगर आप पी कर रहे हो या पी कर रहे हो या फिर पी से ट्वेल्थ कर रहे हैं अभी टर्म टू तो का एग्जामेशन देने वाले हैं आप तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो डेफिनेटली अप्लाई करो क्योंकि अगर कोई बायोलॉजिकल uh, स्टूडेंट है जो नीट का प्रपेशन कर रहा है डेफिनेटली उसे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी अप्रोच करना चाहिए सो so, अभी अपियरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इसके साथ साथ अगर आपने क्लास ट्वेल्थ टू थाउजेंड में पास आउट किया है तो भी आप एलिजिबल हो 2020 में भी पास किया है तो भी आप एलिजिबल हो लेकिन टू uh, थाउजेंड के पहले यानी कि 2019 में अगर आपने ट्वेल्थ किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो ठीक है ट्वेल्थ में आपके मिनिमम सिक्सटी होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिना 60 परसेंटेज क्राइटेरिया के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं एज लिमिट के लिए फर्स्ट अगस्त 2002 थाउजेंड ये जो डेट है इस डेट के बाद या इस डेट को आपकी डेट ऑफ बर्थ है देन आप एलिजिबल हो जिस भी ईयर में आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस भी ईयर में आप नेक्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस ईयर की एज लिमिट चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे एस सी एस टी को और जो दिव्यांग जन हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है एज लिमिट में प्लस परसेंटेज में तो फाइव परसेंटेज का आपका पर रिलैक्सेशन हो जाएगा तो ट्वेल्थ में आपके मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंटेज यहाँ पे रिक्वायर्ड है ठीक है तो आइए बात करते हैं बेनिफिट्स की सो so, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे पाँच साल का इंटीग्रेटेड एम एस सी कोर्स आप कर सकते हैं अगर आप नेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो तो नेस्ट क्वालिफाई करने के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है क्या सिलेबस है वो सब अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे और नेस्ट का जो लेवल है वो क्या है ठीक है तो यहाँ पे जो आपकी बेनिफिट्स है बेसिकली आपको सिक्सटी थाउजेंड पर एन एम एनुअल स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिलता है सिक्सटी थाउजेंड प्लस समर इंटर्नशिप के लिए आपको ट्वेंटी थाउजेंड स्कॉलरशिप मिलता है सो सिक्सटी प्लस ट्वेंटी थाउजेंड स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको नेस्ट क्वालिफाई करना होता है प्लस आपको फाइव ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स करने होते हैं नाइजा भुवनेश्वर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ठीक है सो जो सीट्स है बहुत लिमिटेड सीट्स है टू हंड्रेड सीट्स ही है जिसके लिए नेक्स्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा और एडमिशन दिया जाएगा अप्लाई कहाँ पे करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है और कुछ एक्सट्रा अमाउंट आपको पे भी करना होगा यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो एटीनथ मई है और एग्जाम आपका एटीनथ जून को होगा रिजल्ट आपका फ़ाइव जुलाई को आ जाएगा तो आपको उस टाइम ही मेरिट लिस्ट मिल जाएगी और एग्ज़ाम आपका नाइन्टी सिटीज एंड टाउन्स में होना है तो वो आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर दोगे जब आप फॉर्म फिल करोगे सेंटर्स के लिए एंड ये दिशा प्रोग्राम है जो आपको स्कॉलरशिप देगी सो so, कोई भी डाउट है आपको नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या नेक्स्ट स्कॉलरशिप से रिलेटेड डेफिनेटली आप कमेंट करो और यहाँ पे और भी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ साथ ही साथ स्कॉलरशिप से रिलेटेड लाइक like अगर आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं बिना एग्जामिशन दिए बिना किसी फ़ीस पे किए तो उसके लिए भी जितने भी लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ थैंक यू सो मच एंड टेक केयर